हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हम बनाएंगे मैंगो शेक। तो अभी फिलहाल जो है गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो गया है और मैंगो शेक हर घर में बनने वाला शेक है, जो गर्मियों में काफी पसंद भी किया जाता है और गर्मी से राहत पाने के लिए इस शेक का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक भी होता है। तो अभी प्रायः घर में तरबूज, खरबूज और मैंगो शेक कंपलसरी है बनना। तो अभी फिलहाल बज रहे थे 4 और हमने सोचा कि चलिए आज हम भी जो है मैंगो शेक बना करके पीते हैं और मैंगो शेक की रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। यहाँ पर एक मैंगो ले लिया था, उसके 2 भाग कर लिए हैं और स्पून की हेल्प से हम मैंगो के पल्प को निकाल कर मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो बाकी पल्प को क्या है, हम स्पून की सहायता से निकाल करके मैंगो जार में ट्रांसफर कर देंगे। तो अभी फिलहाल गर्मियों का सीजन स्टार्ट तो हो गया है, पर अभी केमिकल वाले मैंगो ज्यादा आते हैं, तो इस वजह से मैंगो में आम में मिठास नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पर आधा करीब के हम दूध ऐड कर देंगे, साथ में मीठे के अनुसार यहाँ पे हम 2 करीब चम्मच के करीब जो है चीनी ऐड कर देंगे। मिक्सर जार का ढक्कन बंद कर देंगे और अच्छी तरीके से पीस लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए काफी जो थिक है, अभी हमारा मैंगो से काफी थिक है, पीने लायक नहीं। तो फिर इसमें हमने आधा कप के दूध और ऐड कर दिया था, देन उसके बाद अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। तो यहाँ पर मैंगो शेक हमारा निकल के रेडी और हमने भर दिया है दबा करके 1 ग्लास मैंगो शेक। वैसे हम इसे करते तो अभी मिक्सर जार में थोड़ा सा लिक्विड और बचा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पर 1 ग्लास पूरा जो है मैंगो शेक भर दिया है, बादाम डाल दिया, पिस्ता डाल दिया है और थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। तो लीजिए हमारा मैंगो शेक बन करके रेडी है और हम लोग हमारे घर पर इसी तरह से मैंगो शेक बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं सुमन के पास और लेकर के आते हैं मैंगो शेक।